ग्वालियर में चुनाव की मतगणना हुई जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर को जीत हासिल हुई है और इमरती देवी को हार हासिल हुई है। वहीं इमरती देवी के सामने खड़े हुए सुरेश राज को विजय प्राप्त हुई है एवं कांग्रेस से उम्मीदवार रहे सतीश शिकरवार को भी विजय प्राप्त हुई। जिसमें सुरेश राजे को जब प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ तो वह खुश दिखाई दिए और भाई सतीश सिकरवार ने कहा कि वे जीतने के बाद जनता की भलाई करेंगे और विकास और रोजगार के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार लगे रहेंगे। करता कांग्रेस का संगठन और जनता जनार्दन का आशीर्वाद। जनता ने निकाली है सीट, मैंने नहीं निकाली सर। नहीं मुझे नहीं मालूम, वो तो शुरू से ही कह रही थी 80,000 से जीते, लेकिन मेरा आपके माध्यम से आग्रह है इस जीत को आप 80,000 ही माने, 8,000 न माने, ये इस तरह की जीत है। जिस तरह सिंधिया जी ने जाकर सभा में कांग्रेस के लिए वोट मांग लेता है, बड़े वोट ऐसा लगता है? नहीं, उन्होंने तो ये काम मैं खुद ही लड़ रहा हूँ, इमरती नहीं लड़ रही है। प्रदेश में भाजपा सरकार दोबारा काबिज होने वाली है, क्या कहेंगे आप? अभी मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने पूरे रुझान देखे नहीं है, पूरे रुझान देखने के बाद ही कोई बात बोल पाऊंगा। चलिए हाँ साहब, ले लिया साहब, आपकी मेहनत रंग लाई है। आप खड़े हो आओ, देखो खड़े हो आप है सबसे पहले हुए सर्टिफिकेट अंदर ही आ जाओ ना, एक लाउंड रह गया। अच्छा, भी हो रही है आखिरी 35वां आदरणीय शर्मा जी, मेरा भी लगा लेना। हाँ, ग्वालियर डबरा और ग्वालियर के आप प्रभारी थे, आपको दो सीटें मिली थी आपकी। सुनो मेरी आईडिया लगा लो, मैं एक मिनट, ग्वालियर पूरा पूरब नहीं आई, भविष्य हो गई है इस ग्वालियर का, भविष्य हो गई है। और आदरणीय सतीश सिकरवार जी अच्छे मतों से यहाँ जीत के आए, उनकी मेहनत, उनकी टीम की मेहनत, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की मेहनत और एक एक कार्यकर्ता और ऊपर से कमलनाथ जी का आशीर्वाद और सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद। और जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसे उन्होंने देखा था कि लॉकडाउन में भी जो लगातार लोगों के बीच में रहे, राशन से और दूसरी चीज़ों से लोगों की मदद की और एक सही जन सेवक के रूप में उनको पहचान के उनको ये विक्ट्री दिलाई है। सतीश शिकरवार जी को बहुत बधाई और सीट के लिए जिला अध्यक्ष जी को बधाई, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। अंदर ही निश्चित रूप से आने वाले समय में 16 ग्वालियरपुर विधानसभा में जो तमाम मूलभूत सुविधाएं, उन सुविधाएं कराना, सभी सुविधाओं का अभाव है, इसमें कई क्षेत्रों में बिजली, पानी, सीधे सड़क की समस्याएं और इन समस्याओं से जनता को निजात दिलाना, ये अपना उद्देश्य है। अभी चुनाव में जो आपके खिलाफ लोगों ने दुष्प्रचार किया था कि आप समाज सेवा के नाटक वो समाज सेवी को बदनाम करने का जो प्रयास किया, जो कुचक्र किया वाजपेयियों ने, उसकी सजा उनको दंडा ने दी। आप पूछ लो, 40,000 बहनों का आशीर्वाद आपको मिल गया? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से बहनों का आशीर्वाद मिला है और बहनों के आशीर्वाद से आज जो कुछ है अपन उनके आशीर्वाद से। 2,562 मत, अनिल कुमार 199 मत, सीना बेगम 136, रोशन बेग 338, जितेंद्र त्रिपाठी 139, देवेंद्र सिंह तोमर 133, सुनील शर्मा 421। मतदाताओं की कुल संख्या 2,89,071, डाले गए विधिमान मतों की कुल संख्या 1,62,859, उपरोक्त में से कोई नहीं के मतों की संख्या 1,700, कक्षेपित मतों की कुल संख्या 0, निविदित मतों की कुल संख्या 0। मैं घोषित करता हूं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर, पता 2/199 न्यू कॉलोनी नंबर 2 बिरला नगर ग्वालियर, उक्त स्थान के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूं कि श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पता 2/199 न्यू कॉलोनी नंबर 2 बिरला नगर ग्वालियर, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं,
उस सदन में श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पदत्याग के कारण घोषित कर दिए जाने के कारण रिक्त हुई रिक्त को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से वेंकटेश भार्गव की रिपोर्ट।